बच्चों आज अपन पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ 13 त्रयोदश पाठ। पाठ का नाम है चतुरह वानर। चतुर वानर। तो बच्चों इसमें लट लकार है और प्रत्यय भी है इसमें। तो अपन पाठ शुरू करते हैं। एकस्मिन नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसित। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। तस्मिन एक वानर प्रतिवसति स्म। उसमें एक वानर रहता था। स नित्य जम्बू फलानी खादति स्म। वह रोज जामुन के फल खाता था। कश्चित मकर तस्य मित्रम आसित। कोई मगर उसका मित्र था। स वानर प्रतिदिन तस्मे जम्बू फलानी ददाति स्म। वह वानर रोज उसे जामुन देता था। अतः स मकर तस्य वानरस्य प्रिय मित्रम अभवत। इसलिए वह मगर उस बंदर का प्रिय मित्र हो गया था। बंदर उस मगर को रोज जामुन के फल खिलाता था इसलिए उसका प्रिय मित्र हो गया था। एकदा मकर कानिचित जाम्बू फलानी स्व पत्येन अयच्छत। एक दिन मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी के लिए ले गया। तानी खादित्वा तस्य पत्नी अच्छी चिंतयत। उन्हें खाकर उसकी पत्नी ने सोचा अहो स्व वानरः प्रतिदिनं मधुराणि जाम्बू फलानि खादति। वाह वाह वह बंदर रोज मीठे फल खाता है इसलिए अतः नून तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। वो वानर रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका निश्चय ही उसका कलेजा यानी उसका हृदय भी मीठा ही होगा। इति सा स्वपतिम अवदत् भो प्रतिदिन मधुराणी जम्बू फलानी खादित्वा। तव वानर मित्रस्य हृदय कियत् मधुरम स्यात्। तस्य हृदय खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति। तो उसने क्या सोचा कि वो बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका हृदय भी मीठा होगा। तो वह अपने पति से क्या बोली कि अरे रोज मीठे जामुन खाकर तुम्हारे मित्र बंदर का हृदय कितना मीठा हो गया है, उसका हृदय खाकर मेरा हृदय भी बहुत मीठा हो जाएगा। मकर स्वपत्नी बहुविधे उपाये निवारितवान। पर सा दृढ़ निश्चय आसीत विवश मकर स्वमित्रं वानर प्रति गत्वा अवदत। और उसकी ये बातें सुनकर क्या हुआ वो जो है बंदर मगर उसकी पत्नी की बातें सुनकर मगर के पास गया और मगर ने कहा तुम तो पानी में रहते हो मैं वहां कैसे आ सकता हूँ। उसके मित्र से बोला उसने कि तुम रोज प्रतिदिन इतने मीठे फल खाते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ऐसा मगर ने बंदर से कहा। वानर प्रत्युवाच तू जले वसी सह कथम अहम त्रत्य गंतु शक्ने नामी। वानर को शक हुआ मगर के ऊपर वानर को शक हुआ। मकर अवदत मगर क्या बोला कि मैं अपनी पत्नी को कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया वह दृढ़ निश्चय करके बैठी है कि विवश मगर ने अपने मित्र से
मित्र वानर से जाकर कहा, मित्र रोज मैं ही यहाँ आता हूँ, आज तुम मेरे साथ घर चलो। तो उसकी बातों से वानर को क्या हुआ, मगर के ऊपर शंका हो गई। वानर ने कहा कि तुम चलो, वहां मैं कैसे आ सकता हूँ। यदा तो नद्या मध्य भागे स्थिते तदा मकर वानरम अवदत, मम पत्नी तव हृदय खाद्य चामी इच्छति, अतः त्वाम मम ग्रह नयामी। आधी नदी जब उन्होंने पार कर ली तो बीच रास्ते में मगर ने बंदर से क्या बोला कि मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाने की इच्छा रखती है और वो तुमको इसलिए ही घर बुला रही। मकरस्य वचने वानर अभीत, मगर की बात सुनकर वानर क्या बोलता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है, लेकिन वो बहुत चतुर था। किंतु चतुरह वानर शीघ्रम अवदत, रे मित्र, फिर चतुर वानर एकदम घबराता नहीं है, डरता नहीं है और अपनी चालाकी अपनी चतुरता से क्या बोलता है कि अरे मित्र, मम हृदय तू रक्षस्य कोटरे निहितिम, मेरा हृदय तो पेड़ के ऊपर ही है, वहीं रहता है, मैं वहीं रखकर आया हूँ, ऐसा मगर से बोलता है। अतः त्वम शीघ्रम मा तत्र नय, और तुम शीघ्र वहां चलो, अहम प्रमुदित मना मम हृदय तुम्भ्य दास्यामि, और मैं तुमको वहां चलकर मेरा हृदय दे दूंगा। मकरह वानरह पुनः तस्यावासम आनीतवान, मगर वापस पुनः उसको वानर को वहां पर लेकर आया। चतुर वानर शीघ्र कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरुह, और वानर जल्दी से कूदकर वृक्ष पर बैठ गया। वानर उच्चे हसित्वा मकरम अवदत, रे मूर्ख, और वानर ऊपर चढ़कर मगर के ऊपर हंसने लग गया और क्या बोला, अरे मूर्ख, किम हृदय कदापि शरीरात पृथक भवती, किसी का भी दिल या हृदय उसके शरीर से अलग होता है क्या। त्वम मूर्ख असि, तुम मूर्ख हो, इति पर त्वया स मम मैत्री समाप्ता, और अब तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इति उक्त्वा वानर पुनः मधुराणी जम्बू फलानी अभक्षयत, और फिर से बंदर जो है मधुर फल मीठे फल खाने लग गया। अब इसके नीचे देखिए, ये दो लाइन श्लोक की दे रखी है। विश्वासो ही ययो मर्धे तिर्यो मर्धे अस्ति सोहर्दम, यस्मिन् एवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभव। जिनके बीच विश्वास है उनके बीच मित्रता है, जिनमें विश्वास नहीं है उनमें मैत्री कैसे संभव है, इस श्लोक का यह अर्थ है। तो बच्चों, ये आपको 13 पाठ का अर्थ मैंने समझा दिया है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी, आप अपना काम समय पर करते रहिएगा।